हेलो गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया बी एड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है नोटेशन इससे रिलेटेड हम देखेंगे इंट्रोडक्शन मीनिंग डिफिनेशन यूजेस ऑफ नोटेशन इन लैंग्वेज टीचिंग मेरिट्स ऑफ नोटेशन एंड डी मेरिट्स ऑफ नोटेशन टॉपिक में नोटेशन है जब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी हम टॉपिक लेते हैं जैसे आज मैंने जो टॉपिक रखा है नोटेशन अगर इस पर हमें नोट्स बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन फिर लिखेंगे मीनिंग दैन डिफिनेशन दैन यूजेज ऑफ नोटेशन इन लैंग्वेज टीचिंग दैन मेरिट्स ऑफ नोटेशन एंड डी मेरिट्स ऑफ नोटेशन एंड लास्टली लिखेंगे कंक्लूज़न तो आज ये जानते हैं कि ये नोटेशन है क्या इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे कि हम क्या रखते हैं नोटेशन के बारे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इवॉल्विंग सिंस एनसेंट टाइम्स Language were used as symbols in ancient times. At that time, there were no letters nor the words. Special types of symbols were invented and used by the people for the expression of their thoughts and feelings. Based on this, the picture script was developed. This was shown by drawing pictures for the objects. Pictures are still used in many countries as symbol. For example, China. As the civilization grew, the size of the picture decreased, and finally, the words were used as sound. Based on this, different words were created for different sounds. The sound script developed in the last phase of development in general notations are used in punctuation and preforms in linguistic areas in the development of language these punctuation and the form plays very important role their combination is accepted as notations and what is the meaning of notation notation is a system of signs or symbols that represent words. नंबर फ्रेजेस etc. What इज द नोटेशन और द मीनिंग ऑफ नोटेशन तो नोटेशन क्या एक तरह से सिस्टम है किसी का एक वे है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम साइन और symbols को represent करते हैं एक ओ साइन और सिंबल्स का एक प्रोसेस है उसे रिप्रेजेंट करने का उस क्या वर्ड यूज़ करें क्या नंबर यूज़ करें क्या फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं तो ये एक तरह से उसका ये एक सिस्टम है एक वे है नोटेशन इज़ अ टर्म विच इज़ ऑफ दिन डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग वर्ड्स नंबर एंड अदर थिंगस इन एंड एफिसियेंट मैनर देखिए वे है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टम के थ्रू हम किसी भी अपने साइन या सिम्बल्स को अपने रिप्रजेंट कर सकते हैं अपने वर्ड्स को अपने नंबर को अपने फ्रेजेस को लाइक एग्जाम्पल अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नोटेशन इज म्यूजिकल नोटेशन This type of notation system contains many symbols and various types of graphics, and it allows a composer to inform others how he wants his or her music to sound and be performed. That's why it's very important, important role, play the notation. And next, definition what is the definition of notation? According to Merriam Webster, the act process method. और एन इंस्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाई अ सिस्टम और सेट ऑफ मार्क्स साइंस फिगर्स और कैरेक्टर्स अगर हम मेडियम वेबसर्ज की बात करें तो उनके अनुसार ये एक सिस्टम है एक सेट ऑफ मार्क्स है एक सिस्टम है जो मार्क्स साइंस फिगर्स और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस एक मेथड है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार नोटेशन इज़ अ सीरीज़ नोटेशन क्या एक तरह से सीरीज है नोटेशन इज़ अ सीरीज और सिस्टम ऑफ रिटर्न सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स अमाउंट्स और एलिमेंट्स इन समथिंग सच सच एज म्यूज़िक और मैथमेटिक्स तो ये म्यूज़िक और मैथमेटिक्स के लिए एक एलिमेंट का काम करता है कि सारे नंबर्स अमाउंट्स के लिए एक सीरीज़ है एक सिस्टम है एक रिटर्न सिंबल्स है जो ये काफ़ी यूजफुल होता है एंड दॉट इज द यूज ऑफ नोटेशन इन लैंग्वेज टीचिंग तो फर्स्ट जो इसकी यूज़ uh, है वो है मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन तो इस नोटेशन के थ्रू जो भी हम किसी चीज़ को भी रिप्रजेंट कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है मीनिंगलेस नहीं होता और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नोटेशन स्टूडेंट्स मार्क्स मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इट हैल्पस इन मेकिंग द प्रजेंटेशन अट्रैक्टिव एग्ज़ाम्पल दर्ड अंडर लाइन इन अ सेंटेंस गेट्स अ सिग्निफिकेंट पोजिशन तो ये मीनिंगफुल प्रजेंटेशन है इसके थ्रू नोटेशन का जो काम है यो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल uh, होता है ये स्टूडेंट्स इसका यूटिलाइज करके वो अपने जो भी उनका प्रजेंटेशन है उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर देते हैं अपने प्रजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं नेक्स्ट uh, जो है पॉइंट वह ईजी एंड Underable expression presentations can be made easy and understandable by the use of notations. तो नोटेशन के थ्रू क्या होता है ये काफ़ी अंडरस्टेबल हो जाता है एक्सप्रेशन काफ़ी इजी हो जाता है नोटेशन जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसे समझने में समझाने में लाइक एग्जांपल लाइक इन अ पैराग्राफ इट कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग द क्वेश्चनेबल सेंटेंस एज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशं कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द साइंस यूज इन द सेंटेंस जो भी हमारा पैराग्राफ है उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हम रिक्वायर्ड है जैसे अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं जिससे तो हमारा जो भी सेंटेंस है काफ़ी अंडरस्टूड होता है तो ये काफ़ी इजी होता है काफ़ी अंडस्टेबल होता है ये इसलिए कहते हैं कि ये ईजी एंड अंडरस्टेबल एक्सप्रेशन है नेक्स्ट जो है इफ़ेक्टिव राइटिंग तो नोटेशन के थ्रू जो हमारी राइटिंग जो हो जाती है काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है काफ़ी प्रभाव साली हो जाती है सब्जेक्ट मैटर कैन बी मेड मोर इफेक्टिव थ्रू नोटेशंस थ्रू नोटेशन द सब्जेक्ट मैटर इज़ एक्यूरेटली अंडरस्टूड तो हमारी जो राइटिंग है काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है नोटेशन के थ्रू और जो भी हम अच्छी तरह से सही सही तरह से अच्छी तरह से हम इसे समझ जाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है और सब्जेक्ट मैटर के थ्रू क्या कहना अच्छा चाह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन आर यूज्ड बाय पोएट्स एंड पोइट्री इज मेड इफेक्टिव और नोटेशन uh, से जिसका यूज़ अच्छे खासा आप देखेंगे कि पोइट्स यूज़ करते हैं अपने पोइट्री में और जिससे उनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है नेक्स्ट जो इसका जो यूज़ है लैंग्वेज टीचिंग में जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द नॉलेज एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज the need of notation is necessary for the user and knowledge of standard language mm -hmm. तो ये काफ़ी necessary हो जाता है standard language के लिए जो कि ये use और knowledge काफ़ी important होता है एक standard language के लिए क्या क्या users है और कितने वो knowledgeable है या नहीं है

to teach the knowledge and use of standard language to the students it is necessary to provide the knowledge of the notation to the students to so, kafi ek standard language ke liye kafi ye important ho jata hai aur ye necessary hai necessary hai jo knowledge ko को, कोई भी knowledge के लिए notation important होता है ताकि students के लिए वो काफ़ी useful हो नेक्स्ट जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस इन डिक्टेशन तो डिक्टेशन में भी जब हम किसी भी लैंग्वेज को जब डिक्टेट करते हैं तो वहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है वैन टीचर डिक्टेट्स द सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास रूम एग्जाम्पल अगर हम टीचर की uh, ले लें तो क्लास रूम में जो वो डिक्टेट करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनका तो ये काफ़ी डिक्टेशन का वहाँ पर इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है वर्ल डिक्टेक्टिंग वैन टीचर्स डे फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूज ऑफ फुल स्टॉप एंड अ स्टेइंग फॉर शार्टअर पीरियड मीन्स यूज ऑफ कोमा दीज इज़ अम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ नोटेशन इन डिक्टेसन तो वहाँ पर इस डिकटेशन जो है ये नोटेशन इन डिकटेशन ऐसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले वहाँ पर करने लगता है जब एक टीचर अपने क्लास रूम में अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो डिक्टेक्ट करती है तो नेक्स्ट um, जो, जो, जो है इसका जो इम्पोर्टेंट जो है इसका पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ गुड हैंड राइटिंग है और हाँ गुड हैंड राइटिंग के लिए भी नोटेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है थ्रू नोटेशन द राइटिंग आर्ट ऑफ स्टूडेंट डेलप स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर एक्सप्रेशन इन राइटिंग थ्रू नोटेशन तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोटेशन को अपनी राइटिंग को नोटेशन के थ्रू उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी डेवलपमेंट ऑफ गुड हैंड राइटिंग मेरिट्स ऑफ नोटेशन तो हर जो भी टॉपिक है या सब्जेक्ट होता है सभी के मेरिट्स होते हैं एंड डीमेरिट्स भी होते हैं यानी गुण और अवगुण क्या क्या है मेरे बेनिफिट्स क्या क्या है लॉस क्या क्या है तो आज हम इसमें देखेंगे अभी इसमें मेरिट्स ऑफ नोटेशन तो उसके मेरिट्स क्या क्या है फ़र्स्ट जो इसका मेरिट है वो लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड ईजली एंड इन सिंपल वे बाय नोटेशन तो नोटेशन के थ्रू कोई भी लैंग्वेज हो उसे बहुत इजी वे में सिंपल वे में हम समझ सकते हैं समझना बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट जो है बाय दिस मेथड द स्टूडेंट्स मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोसीड्स और इस नोटेशन मैथड के थ्रू कोई भी स्टूडेंट्स या फिजिकली अपने एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं शो so कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं उसमें आगे ग्रो कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर आर मेड इंटरेस्टिंग बाई नोटेशन और जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो वो नोटेशन के थ्रू काफ़ी रोचक हो जाता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बोरियत नहीं रहती वहाँ पर बोरिंग ऐसा कुछ नहीं रहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है नेक्स्ट है दिस मैथड व्रिंग इनोवेशन इन सब्जेक्ट मैटर नेक्स्ट है सेविंग टाइम बाई सोइंग द सब्जेक्ट थ्रू नोटेशन नेक्स्ट है मेक प्रजेंटेशन्स इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव तो इसके मेरिट्स यही हो गए कि ये नोटेशन के थ्रू कोई भी लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी और सिंपल वे में हम उसे अंडरस्टूड करने लगते हैं और फिज़िकली और मैंटली स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो नोटेशन के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और इससे हमारा टाइम जो, जो है हमारा टाइम भी सेव होता है काफ़ी बचता है टाइम तो ये सारे जो हैं ये सब नोटेशन के मेरिट्स हो गए तो मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होती हैं सारे पहलों के दो होते हैं कहीं गुण है तो कहीं पर उसके अवगुण भी होते हैं तो क्वालिटीज़ भी और डिसक्वालिटीज़ भी है तो मेरिट्स देख ले अब हम इसके तो डीमेरिट्स देखेंगे नोटेशन के जो डी क्या है तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल प्लेसेस तो ये मेथड का हम हर जगह इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसका फर्स्ट डिमेरिट है नेक्स्ट है समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू रीड और बहुत सारे लोगों के पढ़ने में रीडिंग करने में कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आ जाती है नेक्स्ट है दिस मैथड इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप्स कभी कभी होता है इस मेथड के थ्रू सारे सब्जेक्ट में इसका यूजफुल नहीं हो पाता है उतना यूजफुल नहीं रह पाता है। ये और ना ये स्टूडेंट्स के सारे एज ग्रुप के लिए बेनिफिट्स में रहता है बेनीफिस नहीं हो पाता ये तो गाइज ये नोटेशन हो गया तो नोटेशन क्या है तो नोटेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस और सिम्बल्स डेट रिप्रेजेंट वर्ड नंबर फ्रेज एक्सेट्रा विदाउट नोटेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते और म्यूज़िकल फील्ड में या फिर मैथमेटिक्स फ़ील्ड में ये और भी फ़ील्ड है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफिनेशन बहुत सारे जो भी हैं साइंटिस्ट हैं डिक्शनरीज के थ्रू दिया हुआ है मेडियम वेबस्टर उनके थ्रू दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज उसके थ्रू um, दिया हुआ है कि इसके नोटेशन uh, के डिफिनेशन क्या क्या है और इसकी यूजेज़ uh, क्या है व्हाट आर द यूज़ ऑफ नोटेशन इन लैंग्वेज टीचिंग तो इसके बहुत सारे यूजेज़ uh, है लाइक मीनिंगफुल प्रजेंटेशन एंड नेक्स्ट है ईजी एंड अंडरस्टेंडेबल एक्सप्रेशन इफ़ेक्टिव राइटिंग एंड ये सब बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता नोटेशन इम्पॉर्टेंट इन डिकटेशन डिकटेशन के लिए भी काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैंड रॉइटिंग तो ये सारे इम्पोर्टेंट um, इसके यूज़ हैं नोटेशन इन लैंग्वेज टीचिंग में और जो इसके मेरिट्स है तो ये काफ़ी लैंग्वेज को um, अंडरस्टैंडेबल बना देता है काफ़ी इजी एंड सिंपल वे में हम लैंग्वेज को समझने लगते हैं नोटेशन के थ्रू मैंटली फिजिकली ये स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्टिव करके रखता है और सब्जेक्ट मैटर को और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है नोटेशन के थ्रू हम काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें वो सब्जेक्ट लगने लगता है फिर हमारे टाइम है वो भी काफ़ी बचता है तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इसके मेरिट्स हो गए एंड मेरिट्स भी इसके साथ साथ की सारे जगह पे हम इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही ये सारे एज ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स के जो भी एज ग्रुप है सारे ऑल एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना यूज़फुल भी नहीं है ना उतने ऑल सब्जेक्ट के लिए यूजफुल तो इसके मेरिट्स भी है डी मेरिट्स uh, भी है तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम देखें कि नोटेशन क्या है उसका मीनिंग क्या है डिफिनेशन क्या है एंड यूजेस क्या है मैरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जय हिंद